सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 25 मार्च को धूमधाम से होली मनाई जाएगी। होली में महत्वपूर्ण है रंग और कई लोग केमिकल युक्त कलश के साथ होली खेलते हैं और कुछ लोग हर्बल गुलाल के साथ। नागपुर में पिछले 70 सालों से आत्मनिर्भर परिवार हर्बल गुलाल बनाकर लोगों के होली में रंग भरा है, जिनसे बात की है NBCN ने। आदमनी परिवार ने बताया कि गुलाल का व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले हजारों किलो गुलाल बिकता था, अब यही व्यापार नाम मात्र रह गया है। अब से कुछ ही दिनों में होली आने वाली है और होली की तैयारियां शहर में शुरू हो चुकी है। होली में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रंगों को और यही रंग बनते हैं नागपुर के श्री कृष्ण नगर में, जहाँ पर हम आए हैं कि ये रंग किस तरह से बनते हैं और कौन बनाता है। हमारे साथ है ये रंग बनाने वाले, तो मुझे बताइए, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। रुपेश आदमन है। रुपेश जी, हर साल जो है होली मनाई जाती है बड़े हर्षोल्लास के साथ और उसमें यूज़ होता है कलर। आपका बहुत पुराना ये जो बिजनेस है कलर का, तो किस तरह से ये आप बनाते हो और कौन कौन से कलर है फिलहाल? देखिए, वैसे देखा जाए तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो हम बना रहे हैं। पहले हमारे आजोबा ने चालू किए, बाद में पापा ने संभाले, बाद में अभी हम संभाल रहे हैं। तो तकरीबन 40-45 साल हुए हैं इस बिजनेस को। 40-45 साल हुए हैं इस बिजनेस को। मुझे बताइए कि पहले किस तरह से जो सीजन रहता था, अभी किस तरह से, क्या उसमें बदलाव आया है? लोग ज़्यादा कलर यूज़ करने लगे हैं और बीच में ऐसा हुआ था कि हार्मफुल जो है कलर यूज़ किए जाते थे, अब इसमें कैसे चेंजेस किए गए हैं? पहले देखा जाए तो पहले माहौल अच्छा बनता था होली के लिए। पहले गुलाल भी बहुत ज़्यादा खेलते थे लोग, अभी इतने में ऐसा हुआ है तो लोगों ने कुछ अफवाह उड़ाए थे गुलाल के बारे में। ऐसा है कि ये प्योर गुलाल है, प्योर अरारोट का, इससे कोई हानि नहीं आती है। ये हमारे पेट में भी जाता है, खाना खाते समय पेट में जाता है, उड़ता है धूल उसकी, नाक से अंदर जाता है। अभी 32 साल की मेरी उम्र है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है हमें। तो ये अफवाह जो फैलाते हैं, पहले आके चेक करें, उसके बाद ही गुलाल को बुरा या भला बोले, बस। तो ये ऐसा होता है क्या कि कलर में कौन से इश्यूज होते हैं? यानी आप तो ठीक है, आप नेचुरल बनाते हो, मगर बाकी लोग जो है वो किस तरह से बनाते हैं? क्या इसमें मिलावट होती है और वो स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है? बाकी के लोगों की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, यहाँ से लेके जाने के बाद वो मिक्स करते होंगे इसमें। यहाँ से आप देख सकते हो, हाथ लगा के इतना चिकना हाथ कोई गुलाल में आता नहीं है, प्योर अरारोट का गुलाल है। इससे कोई हानिकारक नहीं है ये शरीर के लिए, ना चेहरे के लिए, ना बालों के लिए, ना आँखों में भी चला जाए तो ईजिली निकल जाता है पानी मारो तो। और ये जो रंग है ये टिका नहीं रहता है, उड़ जाता है जल्दी। थोड़ी देर के लिए आप लगा के देखोगे तो आपको यूँ समझ में आ जाएंगे ये कलर कैसा है क्या है। लोग कलर से भी होली खेलते हैं, तो कलर कितने हार्मफुल है लोगों के लिए? कलर हार्मफुल रहता है, जब वो रगड़ते हैं तो रैशेस आते हैं चेहरे पे, निकलता नहीं 2-3 दिन या फिर उससे ज़्यादा भी समय लेता है। इससे अच्छा गुलाल से होली खेलो। आपने बताया कि आपका बहुत पुराना बिजनेस है, सबसे पहले कब शुरू हुआ था और कौन किसने ये शुरुआत की? मेरे दादाजी के हाथ की शुरुआत ये गुलाल बनाना, तकरीबन इसको 40-45 साल हुए है मेरे ख्याल से, 1960 से चल रहा है। हाँ, 70 साल हुए ना। तब किस तरह से शुरुआत हुई थी, दादाजी ने क्या सोचकर ये बिजनेस डाला था और तब क्या गुलाल ही बेचते थे? उसके बाद अभी आप शायद यहाँ पे 12 कलर्स आप बना रहे हो, तो किस तरह से बनाते हो और शुरुआत से अभी तक क्या इसमें चेंजेस आए? पहले दादाजी कई जॉब करते थे, उनको किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा काम चालू करके देखो, बना के देखो पहले, तो उन्होंने जस्ट थोड़े से शुरुआत किया था।
तो बनाते बनाते काम थोड़ा बढ़ गया था बीच में, यानी दादाजी के कुछ साल तक बढ़ा था, फिर कम हो गया उसके बाद। तो जो अभी चल रहा है बस जितना चल रहा है उतना ही चल रहा है, ज़्यादा काम नहीं है अभी। ये आपका पारिवारिक बिजनेस है तो इसमें कौन कौन आपकी हेल्प करता है, कौन बनाता है? मम्मी पापा हम भाई सभी काम करते हैं। अभी सुखाने के लिए जगह नहीं है इसके कारण लड़के लोग नहीं रखे हमने, हम ही करते हैं। 60 साल से पुराना ये बिजनेस है, इसमें इनकी मम्मी भी इनका साथ देती है, हम इनसे बात करेंगे। आंटी मुझे बताइए किस तरह से आप ये बिजनेस संभाल रही है अपने बच्चों के साथ? हमारे ससुर के साथ भाई लोग रहती थी ना, तो उनके साथ देखते देखते हम लोग सीख गए कैसा करना है। पहले इन्हें पैर से बनता था, चलने से छानते थे, मशीन वशीन कुछ नहीं थी, भाई लोग ज़्यादा रहते थे लेबर लोग। अभी सब कम हो गया तो लेबर लोग नहीं आते, मशीन की वजह से लेबर लोगों का काम कम हो गया, तो हम खुद ही बना लेते। सभी लोग परिवार में मिलकर ही आप लोग कर लेते? हाँ। तो इसका प्रोसेस कैसा बनता है, क्या अरारोट सबसे पहले कौन से कलर का होता है, उसमें फिर क्या मिलाया जाता है? कलर का होता है वो, उसमें फिर पानी, कलर और ऑयल डाल के बनाते। अच्छा। तो उसकी ये सब काम जो होता है ये मशीन से ही होता है अभी फिलहाल? हाँ, अभी मशीन से ही हो रहा है फिलहाल। अच्छा। और पहले किस तरह से बनता था, आपने पुराने टाइम देखा? पानी यही जैसा अभी बना रहे वैसा, पैर से पानी, गुल रंग और ऑयल। अच्छा। और पैर से खुदाई करते थे। सिर्फ अभी जो लोग लगते थे बिजनेस में उनकी जगह मशीनों ने ले लिए और मशीनों से काम किया जा रहा है। इस तरह से ये जो गुलाल है वो बनता है, अभी फिलहाल यहाँ पे गुलाल बन रहा है और इसके बाद क्या प्रोसेस होते वो भी हम आपको बताएंगे। मुझे बताइए ये सबसे पहले क्या आप क्या कर रहे हो? इसमें अरारोट डाली। अच्छा। अरारोट रंग और पानी। अच्छा। और वो डाल के फिर इसमें क्या मिक्सिंग किया जाता है, चालू कर। अच्छा। आप करके दिखा सकते हैं? हाँ, देख ले। इस तरह से जो है इसमें अरारोट में कलर पानी मिक्स करके ये जो गुलाल का प्रोसेस है वो किया जाता है और इसमें पूरे तरीके से जो है गुलाल अरारोट में कलर और रंग को मिक्स किया जाता है, जिससे जिसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद फिर उसका जो है जो फाइनल गुलाल है वो बन के रेडी हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो फाइनल गुलाल है तो ये जो है गुलाल बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से जो फाइन आप देख सकते हो कि किस तरह से ये नेचुरल कलर से बना हुआ ये गुलाल है जो एकदम फाइन बना हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है और ये अगर हम हाथ धो लेंगे तो ये पूरा कलर और सब निकल जाएगा, इसमें कोई किसी भी तरह का केमिकल्स या बाकी कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ कलर, ऑयल और पानी ही है। तो इस तरह से हर साल जो है होली में जो गुलाल बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है वो या नागपुर में श्री कृष्ण नगर में बनाया जाता है और आप देख सकते हो कि पहले एक दो ही कलर लोग यूज़ करते थे मगर अभी जो है वेरियंट इसमें आ गए हैं, 12-12 कलर्स बनने लगे हैं और लोग इस तरह से इसको यूज़ करते हैं और अपनी होली मनाते हैं। तो इस तरह से जो है होली के लिए गुलाल नागपुर में कई जगहों पे बनाए जाते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण नगर में भी आदमने परिवार अपने 60 साल से यह बिजनेस कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है होली के लिए जो गुलाल बनता है नागपुर में आदमने परिवार ही है जो फिलहाल यहाँ पर बिजनेस कर रहा है। 60 साल से इनका ये जो बिजनेस है वो शुरू है और अब इसके बाद भी उनके बच्चे भी यही बिजनेस कर रहे हैं और इस तरह से हर साल होली में वो गुलाल का व्यवसाय करते हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुंगार, NBCN नागपुर।